किसी भी नई चीज की खोज या आविष्कार करने में बहुत लग्न और मेहनत की आवश्यकता होती है। वहीं दुनिया में बहुत ऐसे आविष्कार हैं जो संयोग और दुर्घटना से हुए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे एक प्रयोग में अनपेक्षित नतीजे हासिल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने मछली की एक नई प्रजाति खोज डाली। इस चीज की कल्पना खुद वैज्ञानिकों ने भी नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों को नहीं थी इसकी उम्मीद। वैज्ञानिकों के द्वारा अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई जिससे अमेरिका की पैडल फिश और रूस की स्टर्जोन प्रजाति की मछलियों का संकर प्रजनन हो गया। इन दोनों मछलियों के प्रजनन से वैज्ञानिकों को स्टर्डल फिश नाम की एक नई प्रजाति मिल गई जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। एक रिपोर्ट के अनुसार दो मछलियों का प्रजनन एक दुर्घटना मात्र था। इन दोनों मछलियों को जीवाश्म मछलियाँ कहा जाता है। पैडल फिश और स्टर्जोन फिश दोनों मछलियों की प्रजाति बहुत पुरानी है और उनका विकास भी बहुत ही धीमा है। यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक इन दोनों प्रजातियों की मछलियाँ विलुप्त की कगार पर हैं। कैसे हुई गलती? वैज्ञानिकों ने जीनोजेनेसिस नाम की एक अलैंगिक प्रजनन पद्धति का प्रयोग इन दोनों मछलियों पर अलग अलग कर रहे थे। इस प्रक्रिया में बिना डीएनए के योगदान के ही शुक्राणुओं की उपस्थिति की जरूरत होती है। शोधकर्ताओं ने गलती से पैडल फिश के शुक्राणुओं को स्टर्जोन के अंडों में गर्भाधान करा दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला और एक नई प्रजाति विकसित हो गई। नई प्रजाति की मछली का जन्म। शोधकर्ताओं से हुई गलती का परिणाम ये मिला कि अंडों से एक नई संकर प्रजाति की मछली पैदा हो गई। यह शोध हंगरी में रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के वैज्ञानिक एटिला मोजार और उनके साथियों ने किया था। पहली बार हुआ है ऐसा संकरण। अमेरिकन पैडल फिश और रूसी स्टर्जोन की पहली बार ऐसा संकरण हुआ है। इस संकरण से जो नई प्रजाति बनी है वह ऐसी पेंसराइडे और पायोजांटाइडे परिवारों के बीच की सदस्य है। हालांकि इंसान के द्वारा संकरण की गई इन नई प्रजातियों में फिर से प्रजनन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।